बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट पंजाब। ते जी की हाल चाल ने तुहाडे? उम्मीद है कि अल्लाह पाक दे करम और फजल नाल तुसी बिल्कुल ठीक ठाक होवोगे। ते जी, अज असी बना रहे हैं बहुत ही स्पैशल और बहुत ही यूनिक रैसपी, अलबेक स्टाइल फ्राइड चिकन। ओथेंटिक रैसपी है और सऊदी अरब की बहुत ही मशहूर तरीन, बहुत ही पॉपुलर रैसपी है और हर एक दी मनपसंद डिश है। 1974 च इहदी बिगनिंग हुई, सितंबर 1974 च। ते जी, अज अलहमदुलिल्लाह सऊदी अरब च 100 तो ज़्यादा ब्रांचिस अलबेक फ्राइड चिकन दी मौजूद ने। ते मैं तुहानू दसांगी कि एक किस तरह बनेगा, वीडियो नू एंड तक जरूर देखना। ते जी, असी वीडियो स्टार्ट करदे हां। फर्स्ट ऑफ ऑल असी 1 किलो चिकन लियाए, विदाउट स्किन चिकन है, क्योंकि तुहानू पता है कि इत्थे स्किन वाला चिकन लैना थोड़ा जिहा डिफिकल्ट है, लिहाजा मैं विदाउट स्किन चिकन यूज़ कर रही हाँ। एक खाली कटोरी लवेंगे और यह साडे कोले हॉट सॉस। ते जी, मैं एक आधा कप मैं हॉट सॉस लवेंगी, हाफ कप हॉट सॉस असी लै रहे हाँ। असी एक फाइन मिक्सचर रेडी करना है, कटोरी च ऐड कर लेनी हाँ और ये नाल ही मैं चिली सॉस यूज़ करांगी, चाइनीज़ चिली सॉस, और 1/3 कप मैं चिली सॉस लवांगी। ते तुसी हॉट सॉस की जगह पर चिली गार्लिक सॉस भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं इत्थे हॉट सॉस और चिली सॉस यूज़ कर रही हाँ। ऐड कर चुकी हाँ, तो ये नाल ही एक चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है और हाफ तो कम पैपरिका पाउडर, अच्छी तरह मिक्स कर लेने हैं ताकि इहदा एक फाइन मिक्सचर रेडी हो जाए, लिहाजा अच्छी तरह मिक्स कर लवांगे। फूड कलर मैं बिल्कुल भी यूज नहीं किया, क्योंकि अलबेक स्टाइल फ्राइड चिकन च फूड कलर यूज नहीं होता, लिहाजा और मिक्सचर असी रेडी कर चुके हैं और चिकन ऑलरेडी मैं वॉश कर चुकी हाँ। यह मेरे को सरिंज है, किसी भी वेटरनरी शॉप तो मिल जाएगी ईजीली, लेकिन यूजली अलबेक वाले इस तरह की सरिंज यूज करते हैं, मीट इंजैक्टर इन्हों आख्या जाता है। तो ये आम तौर पर आम दुकाना तो नहीं मिलता, लेकिन इस तरह की सरिंज जी ईजीली मिल जाती है, लिहाजा फिलिंग कर लवेंगे, यानी उस मिक्सचर नू असी इस सरिंज भर लवेंगे, क्लीन कर लेने हैं। और यह साडे कोल नीडल है, नीडल पुट करांगे और इस तरह असी इनू फिल करांगे, लेकिन अगर नीडल ना होवे तो नीडल तो बगैर भी असी देसी स्टाइल च इनू फिल कर सकते हैं और ये बहुत ही ईजी अंदाज है और बिल्कुल हड्डी दे नाल गोश्त च असी इस तरह सरिंज दे नाल मिक्सचर पुट करना है। अगर ज़्यादा स्पाइसी चाहिदा होवे तो असी फॉर मोर टाइम्स इनू इस तरह पुट करांगे, अगर कम स्पाइसी चाहिदा होवे तो असी कम करांगे, लिहाजा मैं इनू मोर दैन 5 to 6 टाइम पुट कर रही हाँ। तो ये तुहाडे ते डिपेंड करता है, तुहानू कम स्पाइसी चाहिदा है या ज़्यादा स्पाइसी चाहिदा है। अच्छी तरह फिल कर लवांगी और यह तुसी देख सकते हो कि 1 by 1 असी इस तरह एक सादा अंदाज च, यो अंदाज है कि हर कोई अपने घर से इनू ईजीली बना सकता है। तुसी जो पुट करोगे तुसी देखोगे कि इहदा साइज थोड़ा इनक्रीज हो जाएगा चिकन का, लिहाजा इस तरह असी फिलिंग कर लवेंगे। बिल्कुल इस तरीके नाल जी, फाइनली असी
बाकी दे चिकन नूं ही इसे तरह फिल कर चुके हैं मिक्सचर दे नाल। ए तुसीं देख सकते हो कि अच्छी तरह फिलिंग हो गई है, लिहाजा हुण असीं इस चिकन नूं कर दिंदे हां साइड ते और एक खाली बाउल लवांगे क्योंकि असीं हुण कोटिंग करनी है उहदा मिक्सचर रेडी करांगे। 2 चम्मच सिरका लिया है, वाइट सिरका इजली अवेलेबल है, 1 चम्मच पीसी हुई लाल मिर्च और ये नाल ही 1/2 चम्मच पैपरिका पाउडर और ए साडे कोले नमक हसबे जरूरत ऐड करांगे ते दे नाल ही असीं गार्लिक पाउडर ऐड करांगे और जिंजर पाउडर ऐड करांगे। मैं 1 चम्मच गार्लिक पाउडर ऐड किया है और 1.5 चम्मच जिंजर पाउडर ऐड किया है, लिहाजा हुण असीं अच्छी तरह मिक्स कर लेने हैं। थोड़ा जिहा पानी ऐड करांगे, जस्ट 2 चम्मच और अच्छी तरह मिक्सचर रेडी कर लवांगे। ते जी अच्छी तरह मिक्स करके इसे तरह असी चिकन बाउल च ऐड करांगे और अच्छी तरह कोट करना है असी, लिहाजा इस रेडी किए हुए मिक्सचर नूं असी चिकन पीसिस के नाल अच्छी तरह लगा लवांगे बिल्कुल इस तरह। तो असी कुछ ज़्यादा इनग्रीडियंट्स कोटिंग वास्ते ऐड नहीं किए, 4 तो 5 इनग्रीडियंट्स ने और यही वो इनग्रीडियंट्स ने जिहड़े अलबेक फ्राइड चिकन च यूज़ हुंदे ने। तो जी अलबेक वालियां दा कहना है कि वो 18 स्पाइसिस यूज़ करते हैं लेकिन असी इत्थे 18 स्पाइसिस ते यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन बिल्कुल उस तरह असी अलबेक फ्राइड चिकन रेडी कर रहे हैं। इस तरह बाकी का बचिया हुआ मसाला भी असी अच्छे तरीके नाल चिकन ते कोट कर देवांगे बिल्कुल इस तरह। हाँ तुसीं देख सकते हो कि अच्छी तरह कोट कर चुके हैं, लिहाजा इनू असी ओवरनाइटली रख दिता सी और आफ्टर ओवरनाइट तुसीं देख सकते हो, अगर ज़्यादा जल्दी है तो कम अज़ कम 4 तो 6 घंटे लिए रखना जरूरी है, लेकिन मैं इनू ओवरनाइटली रखिया सी और यह साढ़े कोल सादा पानी है और यह साढ़े कोल मैदा है, मैदा एक खुले बर्तन च लवांगे और हुण असी इस तरह दोबारा इनू कोट करांगे मैदे दे नाल। 1 by 1 पीस असी लवांगे और अच्छी तरह कोट कर लवांगे और इनू 7-8 सेकंड वास्ते डिप करांगे और फौरन निकाल लवांगे और दोबारा असी मैदे च ऐड करके अच्छी तरह कोट कर लवांगे। जस्ट असी मैदा यूज़ कर रहे हैं लिहाजा एक क्रम्स बन चुके ने तुसी देख सकते हो, तो इस तरह डिश च रखांगे और बाकी दे चिकन पीसिस भी 1 by 1 लवांगे और मैदे च अच्छी तरह पहले कोट करांगे। ताकि मिक्सचर जड़ा है वो यानी कि मैदा जड़ा है वो अच्छे तरीके नाल कोट हो जाए। इसे तरह असी पानी च डिप करांगे और फौरन निकाल लवांगे और दोबारा असी मैदे नाल कोट करांगे और यह तुसी देख सकते हो कि जो असी पानी च ऐड करने हैं तो मसाला बिल्कुल भी रिमूव नहीं होया, सिर्फ पानी का कलर चेंज होया है मैदे की वजह तो, लेकिन चिकन के नाल लगा हुआ मिक्सचर या मसाला जड़ा है वह बिल्कुल भी रिमूव नहीं होया और यह तुसी देख सकते हो कि असी 1 by 1 तमाम चिकन पीसिस नू मैदे च पहले कोट कर रहे हैं
इसे तरह असी पानी च डिप करांगे और 7-8 सेकंड बाद असी निकाल लवांगे और मैदे च कोट करदे रवांगे। बहुत ही आसान और सिंपल जिहा प्रोसीजर, लिहाजा अगर तुसी भी इसे तरह फॉलो करोगे तो बहुत ही बेहतरीन अलबेक स्टाइल फ्राइड चिकन रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह। लिहाजा तुसी रेसिपी दे तमाम स्टेप्स नूं फॉलो करदे रहो। और ए तुसी देख सकते हो कि बहुत ही जेंटली असी इसी तरह कोट कर रहे हैं। बाकी दे तमाम चिकन पीसिस भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह कोट कर चुके हैं, लिहाजा ऐ तुसी देख सकते हो। ते जी चूंकि असी हुण इनू फ्राई करना है, लिहाजा एक कड़ाही च असी घी ले आए और 12 मिनट लई असी इनू मीडियम फ्लेम ते गरम कर लिया सी। लिहाजा 1 by 1 असी चिकन पीसिस ऐड करदे रवांगे और मीडियम फ्लेम ते असी इनू अच्छे तरीके नाल फ्राई कर लवांगे। फ्लेम थोड़ा असी हाई ही रखांगे ताकि चिकन अच्छी तरह गल जाए। और घी असी उतना ही ऐड कीता है कि चिकन पीसेस अच्छी तरह डिप हो जाए। ते जी ठीक 2 मिनट बाद असी इनू फ्लिप कर लवांगे ताकि दूसरी साइड तो भी चिकन अच्छी तरह गल जाए। लिहाजा इसी तरह असी फ्राई कर लवांगे बहुत ही जेंटली। और असी अच्छे तरीके नाल इनू पका लवांगे। अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है, लिहाजा असी इनू डिश निकाल लेने हैं। बिस्मिल्लाह। बहुत ही आसानी नाल असी इनू फ्राई कर चुके हैं। और यह तुसी देख सकते हो कि असी बाकी दे चिकन पीसिस भी अच्छे तरीके नाल फ्राई कर चुके हैं। इदा कलर भी तुसी देख सकते हो। इसे तरह असी बाकी दे चिकन नूं भी डिश आउट कर लवांगे। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और फाइनली बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से नाल और बिल्कुल नई लुक दे नाल ऐ तुसी देख सकते हो कि अलबेक फ्राइड चिकन रेडी है। ते जी असी इहदी फाइनल लुक वल जाने हां। बिस्मिल्लाह। बेहतरीन कलर दे नाल और बेहतरीन तरीके दे नाल बहुत ही लो इंग्रेडिएंट्स के नाल असी बहुत ही स्पाइसी अलबेक फ्राइड चिकन रेडी कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इस रेसिपी नू जरूर ट्राई करना और कमेंट सेक्शन च जरूर अपनी राय का इजहार जरूर करना कि तुहानू ये अलबेक फ्राइड चिकन किस तरह का लगा है। लिहाजा असी चेक कर लेने हैं कि बिस्मिल्लाह। तुसी देख सकते हो कि
ਅਸੀਂ ਚੂੰਕਿ ਫੂਡ ਕਲਰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਵਾਈਟ ਸੀ ਔਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲ ਗਿਆ ਇਹ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਲਬੇਕ ਫਰਾਈਡ ਚਿਕਨ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਔਰ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਇਸ ਚਿਕਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਵ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਗਾਰਲਿਕ ਸੌਸ ਇਹਦੀ ਰੈਸਪੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਿਲੀ ਸੌਸ ਚਿਲੀ ਗਾਰਲਿਕ ਸੌਸ ਅਤੇ ਜੀ ਕੈਚਅਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਚਿਲੀ ਗਾਰਲਿਕ ਸੌਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਹਮ ਸਭ ਦਾ ਹਾਮੀਓ ਨਾਸਿਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਨਈ ਰੈਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬ ਤੱਕ ਲਈ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦਿਨ ਵ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ